अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे वो है हार्ट पल्पिटेशंस इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान दिल की धड़कन का तेज़ होना। इसके बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस किस्म की और इस तरह की और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कि हमल के साथ आम तौर पर औरतों की शिकायत होती है कि दिल बहुत ज़्यादा डूबने लग गया है या दिल की धड़कन बढ़ गई है। पहली बात तो ये कि इसमें परेशानी की बात नहीं, हमल के दौरान आपके जिस्म में खून की मिकदार बढ़ जाती है, खून की पंपिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आम तौर पर हामला ख़वातीन की दिल की धड़कन दूसरे इंसानों से 10 से 20 बीट बढ़ना एक कुदरती अमल है। अगर आपको पहले 3 माह में ये सिम्टम हो रहा है तो वो यूजली खून की मिकदार बढ़ने से और वो हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं ये उनका इफ़ेक्ट है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कैफीन का इस्तेमाल कम कर दें और आप सेहतमंद ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी देर के बाद लें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और ख़ुराक में बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना डालें। कोशिश करें कि आप वॉक की सूरत में या लाइट सी एक्सरसाइज की सूरत में कोई ना कोई वर्जिश डेली ज़रूर करें। योगा और मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। लेकिन अगर आपको ये शिकायत मुसलसल है कि आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हमारे मुल्क में 80% ख़वातीन क्योंकि खून की कमी का शिकार हैं और खून की कमी का शिकार होने की ये एक मेजर अलामत है। उस सूरत में आप फौरन अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें, अपने टेस्ट करवाइए और अगर खून की कमी है तो आप फौलाद वाली गोलियों का बाकायदा प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से 3 माह बाद तक इस्तेमाल कीजिए। अगर ये सारे कुदरती मनूवर करने के बाद भी या कुदरती तौर पे ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी आपका ये मसला प्रसिस्ट करता है तो फिर हमें ये परेशानी की बात है। उसके लिए फिर आप अपने स्पेशलिस्ट से रابطہ करें, क्योंकि चंद दिल की बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिनमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके अलावा गिल्लड की बीमारी में भी बाज़ुकात दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है। आप गायनी और ऑप्स के किसी भी मसले की सूरत में मरहम के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या आप इन पेशेंट विजिट कर सकते हैं। आप मरहम के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए।